Hello students, welcome to the M2 Coaching Classes YouTube channel. इस वीडियो में और इस क्लास में हम आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. क्वेश्चन आर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर वन, इफ 2 to the power x = 1, फाइंड आउट x. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, इफ 2 to the power x - 3 = 1, फाइंड आउट x. थर्ड, If a to the power x = 1 जनरलाइज कर दिया गया है, what will be the value of x? Fourth part, if 3 to the power 4x, yeah, suppose 3 to the power x + 7 = 1, find out x. फर्स्टली मैंने बहुत आसान केस लिए हैं और उसके बाद फिर मैं अदर केस और डिस्कस करूंगा. तो आई विल ड्रॉ लाइन हियर. ओके, ये है क्या एप्लीकेशन ऑफ a to the power 0. ये सब मैं एप्लीकेशन ऑफ a to the power 0 का एप्लीकेशन होने वाला. अब यह चेक करो, इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट a to the power 0. हमने a to the power 0 के बारे में पढ़ चुके हैं. मींस बेस एक्सपोनेंट, बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 कब होता है. देखो, दिस इज द पोजिशन ऑफ बेस और दिस इज द पोजिशन ऑफ एक्सपोनेंट. तो चेक करो, दिस इज द बेस और दिस इज द एक्सपोनेंट. अब इसका वैल्यू इट इज इक्वल टू 1 हो रहा है. अगर ये 1 होता है, बेस एक्सपोनेंट 1 होता है, कंफर्म है एक्सपोनेंट को जीरो होना होगा. चेक करो, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टू प्रूव, मींस यू हैव लर्न बेस एक्सपोनेंट. बेस डज नॉट जीरो, ए को जीरो नहीं होना है. बेस डज नॉट जीरो, इस कंडीशन को लर्न रखना है. बेस को जीरो नहीं होना है, तो लुक यार, बेस को जीरो नहीं होना है और एक्सपोनेंट अगर जीरो है, फॉर नॉन जीरो बेस एक्सपोनेंट जीरो है, कंफर्म है इसका वैल्यू तभी 1 होगा. फॉर नॉन जीरो बेस एक्सपोनेंट जीरो होती है तो उसका वैल्यू 1 होगा. बिकॉज a to the power 0 = 1, वेयर a डज नॉट जीरो. तो इस केस का यहां यूज करेंगे, मीन्स कोई बेस एक्सपोनेंट नंबर, देखो लुक हियर, ये बेस है और यहां पर एक्सपोनेंट है. इस बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 दिया है, तो कब 1 होगा? बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 दिया, कब 1 होगा? जब ये बेस क्या होगा, सॉरी ये एक्सपोनेंट क्या होगा, 0. मींस x = 0. अब चेक करो, अब 0 रखो, एक्सपोनेंट को 0 रखो, तो यू नो इक्वल टू 1, एक्सपोनेंट को 0 होना होगा. तो इसका फंडामेंटल क्या है,
We will apply this fundamental into these questions. तो मैं अभी रफ वर्क कर रहा हूं. Application of a to the power 0 when a does not a को 0 नहीं होना है. आपने कहा सर ओके बेस है एक्सपोनेंट है. बेस 0 नहीं है और एक्सपोनेंट में 0 आ गया तो ये नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा. मींस बेस एक्सपोनेंट 1 कब होता है. बेस एक्सपोनेंट 1 कब होता है. बेस एक्सपोनेंट 1 कब होता है जब एक्सपोनेंट पूरी एक्सपोनेंट 0 होती है. पूरी एक्सपोनेंट 0 होती है और बेस को क्या होना है डज नॉट. अब इसी को आपने क्या कहा फॉर नॉन जीरो बेस. फॉर एनी नॉन जीरो बेस एक्सपोनेंट 0 हो गया है. इस एक लैंग्वेज में बोलते हैं नॉन जीरो बेस. फॉर नॉन जीरो बेस एक्सपोनेंट में हमने 0 लिख दिया तो ये पूरी वैल्यू LHS की 1 हो जाएगी. उसी को अप्लाई कर रहे हैं a टू दी पावर x को 1 लिख दिया है. a टू दी पावर x को 1 लिख दिया है. ये बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू हमने 1 लिख दिया है. बेस एक्सपोनेंट को 1 लिखा है तो ये 1 कब होगा जब ये एक्सपोनेंट क्या होगा 0. तो लिख दिया है तो x इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0. अब चेक करके देख लो. चेक करो. अब आपने कहा सब चेक करके देखते हैं ओके x की जगह 0 रखो तो आपने रखा क्या गया 1. कंडीशन है a does not. तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं. उस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं यहां निकालूंगा फिर सेकंड का निकालूंगा फिर थर्ड का निकालूंगा फिर फोर्थ का निकालूंगा फिर अदर जो है एप्लीकेशन तो होगा. ओके अभी मैं आपके फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहा हूं ठीक है. ओके गिवन सॉल्यूशन है गिवन 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्लियर. चेक करो बेस 2 है डज नॉट 0. ओके एक्सपोनेंट क्या है एक्स. तो अब आपको पता बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या दिया है. बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 कब होता है. बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 कब होता है जब एक्सपोनेंट क्या होता है 0. तो नाउ हियर इस एक्सपोनेंट को 0 होना ही होगा. ओके व्हेन एक्स इक्वल टू 0. अब चेक कर लो 2 के ऊपर 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है. बेस 0 नहीं है 2 डज नॉट 0. ओके 2 डज नॉट 0. अगेन चेक करो एप्लीकेशंस लगानी है. हाई क्लासेस में ये बहुत ही एक्सप्रेशन में जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जाएगा फंक्शन में जाएगा बहुत सारी जगह जाएगा. सॉल्यूशन है ओके गिवन था 2 टू दी पावर x इक्वल टू तो LHS में क्या है. LHS में बेस एक्सपोनेंट नंबर है. ऑल LHS बेस एक्सपोनेंट बेस चेक करो डज नॉट 0 क्लियर हो गया. अब एक्सपोनेंट क्या है एक्स है. बेस एक्सपोनेंट नंबर का वैल्यू क्या है. बेस एक्सपोनेंट नंबर का वैल्यू 1 कब आता है. बेस एक्सपोनेंट नंबर का वैल्यू 1 कब आता है जब एक्सपोनेंट 0 होती है. तो आपने यहां पर लिख दिया एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्स. तो नाउ इस एक्सपोनेंट को 0 होना होगा. कंफर्म है एक्सपोनेंट 0 होगी तभी ये 1 होगा. तो एक्स इक्वल टू 1 ये सॉल्यूशन है. एक्स इक्वल टू 0. इन द सेम वे अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिमिलरली. ओके सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे. आपने कहा सर सॉल्यूशन किसका सेकंड पार्ट का. गिवन 2 टू दी पावर x माइनस 3 इक्वल टू 1
ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है. ओके तो लुक हियर राइट, ये रफ वर्क है. बेस इक्वल टू टू मीन्स टू डज नॉट जीरो. बेस टू है और जीरो नहीं है. एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? एक्स माइनस थ्री. ओके बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू वन कब होता है? बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू वन कब होता है? बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू वन कब होता है? जब इफ एंड ओनली इफ ये एक्सपोनेंट जीरो होगी. इस एक्सपोनेंट को जीरो होना होगा. तो यहां पर भी देखो बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू वन दिया है. तो ये कब होगा? जब एक्सपोनेंट जीरो होगा. तो वी विल राइट हियर एक्सपोनेंट को हम जीरो लिखेंगे. तो व्हाट विल कम? एक्स इक्वल टू कितना आ गया? माइनस. दिस विल बी आवर आंसर. आपने कहा सर कैसे सॉल्व करना है? एप्लीकेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन लगा है. तो पहले चेक करेंगे बेस क्या है? टू है. और डज नॉट जीरो क्योंकि बेस को जीरो नहीं होना है. एक्सपोनेंट क्या है वो लिखेंगे. अब बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू वन कब होता है? बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू वन कब होता है? जब एक्सपोनेंट जीरो होता है. एक्सपोनेंट को जीरो लिख देंगे. अब आपने कहा सर ये कैसे होता है? वाई ओ इन द प्रीवियस वीडियोस प्रीवियस क्लासेस एवरीथिंग भी क्लियर. अब सब कुछ क्लियर हुआ. तो सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया. वी सॉल्व दिस ऑल्सो. नाउ वी जनरलाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सॉल्यूशन गिवन ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वन. और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा वेयर ए डज नॉट जीरो क्योंकि क्लैरिफाई करना पड़ेगा. गिवन दिस एंड ए डज नॉट बेस बताएंगे. बेस इक्वल टू ए और ए डज नॉट जीरो गिवन गिवन है. क्वेश्चन है देगा वो आपको क्योंकि एक कंडीशन है. आपने कहा सर बेस इज इक्वल टू ए या बेस इज ए और डज नॉट जीरो. एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्स. अब चेक करो बेस एक्सपोनेंट वन कब होता है? बेस एक्सपोनेंट दैट दिस इज द पोजिशन ऑफ एन एक्सपोनेंट. बेस एक्सपोनेंट वन कब होता है? इस एक्सपोनेंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा. यहां पर भी बेस एक्सपोनेंट वन हुआ है इज इक्वल टू वन गिवन वन. तो इस एक्सपोनेंट को वन होना पड़ेगा सॉरी इस एक्सपोनेंट को जीरो होना पड़ेगा. बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वन कब? इफ एंड ओनली इफ एक्सपोनेंट को जीरो होना होगा. तो वी विल राइट हियर एक्सपोनेंट को एक्स और इस एक्सपोनेंट को जीरो लिखेंगे. तो ये सॉल्यूशन हो गया. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फर्दर आई विल राइट सम क्वेश्चन ऑल्सो. सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट गिवन 3 to the power x plus 7 equal to also 1. अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं. फिर धीरे धीरे इसका मल्टीपल जो है एप्लीकेशन सिखाएगा. तो चेक हियर बेस इक्वल टू 3 और 3 डज नॉट जीरो. नंबर जीरो नहीं होता है. ओके काउंट नंबर बेस इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्स प्लस 7. अब चेक करना बेस एक्सपोनेंट वन हो रहा है. बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1 गिवन है. तो बेस एक्सपोनेंट वन कब होता है?
क्या होती है, जीरो होती है, और बेस को नॉन जीरो होना पड़ता है. बेस ऑलरेडी थ्री है, डज नॉट जीरो. बेस ऑलरेडी थ्री है जो जीरो नहीं है. तो आपने कहा सर बेस एक्सपोनेंट वन तभी होता है, विल बी वन जब एक्सपोनेंट जीरो होगा. तो हियर एक्सपोनेंट इक्वल टू जीरो. एक्सपोनेंट को जीरो होना ही होगा. और एक्सपोनेंट इज हियर एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो. और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है व्हाट विल कम एक्स इक्वल टू सेवन. ये एक्स इक्वल टू सेवन सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट. आपने कहा सर थोड़ा सा और टू थ्री अप्लीकेशंस और दीजिए. ओके नाउ आई विल राइट टू थ्री मोर क्वेश्चंस टू एक्सप्लेन द अप्लीकेशन ऑफ ए टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन. बेस एक्सपोनेंट वन है, बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू वन है, तो एक्सपोनेंट को जीरो होना पड़ेगा. ओके तो मैं सम क्वेश्चंस और लिखेगा, इसको मैंने इरेज कर दिया है. ओके दीज ऑल्सो इरेज. अब मैं टू थ्री मोर क्वेश्चंस लिखेगा. अब थोड़ा सा मोर एप्लीकेशंस लगाएंगे. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पार्ट वन, इफ 5 to the power 2x minus 3 equal to 125. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, इफ 3 to the power 7x minus 3 equal to 81. थर्ड क्वेश्चन, इफ 3 by 2 whole power 5x minus 3 equal to 81 upon 32. नेक्स्ट, इफ जनरलाइज कर देगा, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एन. हियर वेयर ए डज नॉट जीरो. क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्स, एक्स निकालना. हियर ऑल्सो फाइंड आउट एक्स, हियर ऑल्सो फाइंड आउट एक्स, हियर ऑल्सो फाइंड आउट एक्स. सभी जगह एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना. अब थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. अब देखो कैसे यूज होता है. फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा. गिवन क्या है, 5 to the power 2x minus 3 equal to 125. ओके मैं रेफर करूंगा. आपने कहा सर LHS को लिख दिया 5 to the power 2x minus 3. ओके LHS में बेस एक्सपोनेंट नंबर है. देखो मैथमेटिक्स को कैसे क्रैक करते हैं, आप LHS को चेक करो, मींस लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, उस पर बेस एक्सपोनेंट है. तो आपका कोशिश ये होना चाहिए राइट हैंड साइड में भी बेस एक्सपोनेंट बन जाए, बेस एक्सपोनेंट बन जाए. और किस बेस में, जो बेस LHS में है. क्वेश्चन को समझने के लिए, आसान करने के लिए, इजी वे में समझने के लिए क्वेश्चन को पार्ट्स में देखना पड़ता है. पार्ट्स में. आपने कहा ओके गिवन है 5 to the power 2x minus 3 equal to 125. LHS को लाओ, यस बेस एक्सपोनेंट है. अब आपका एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए LHS को भी बेस एक्सपोनेंट बना दो. अब बेस क्या होना चाहिए, LHS का बेस चेक करो 5 है. तो आपका एम होना चाहिए कि LHS का जो नंबर है दैट नंबर
नंबर इज गिवन ऑन द आर्चेस, उसको भी आप बेस फाइव पर लाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो डज नॉट मैटर। तो आपने आरएचएस में जो नंबर है वो 125 है, अब इसको बेस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो चेक करो एलएचएस में बेस 5 है तो आप 5 से इसको डिवाइड करो, ये फैक्टराइज हो जाएगा 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 = 125। चेक करो, ओके 5 × 5 × 5 कितना टाइम्स हो रहा, 3 टाइम्स। आप इसको लिख सकते हैं 5 to the power 3। अब आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना, रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, अप्लीकेशंस को समझ जाएंगे। इसके अंदर भी 8 to the power 0 = 1 का ही अप्लीकेशन हिडन है, हिडन। तो आपने कहा सर मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, देखो इन मैथमेटिक्स देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स, बहुत सारी मेथड्स होती है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, पर हमने कौन सी मेथड लगानी है जो कॉन्सेप्चुअल है, फंडामेंटल है, लॉजिकल है और बहुत जल्दी से आंसर को कैलकुलेट कर देती है। आपने कहा सर ओके गिवन है ये एलएचएस को चेक करो, ओके बेस एक्सपोनेंट है तो आरएचएस जो भी है उसको कॉपी करो, इसको भी बेस एक्सपोनेंट बनाओ, बनाओ मे बी डन, मे बी जो है कन्वर्टेड इन टू बेस एक्सपोनेंट, मे नॉट, तो जनरली कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा सर इसको भी बेस एक्सपोनेंट बनाओ, अब आपने कहा सर इसका बेस क्या होना चाहिए, इसका बेस भी अगर 5 बन जाता है तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहां पर बन जा रहा है 125 को 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो, ओके हाउ मेनी टाइम्स इट्स अ फैक्टर विल कम 5 × 5 × 5, तो 5 को हमने 3 टाइम्स लिख दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 3। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा इजिली, ओके अब आरएचएस भी कन्वर्ट हो गया है, आरएचएस भी कन्वर्ट हो गया है, 5 to the power 2x - 3 ऐसे ही रहेगा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 5 to the power 3, आरएचएस को भी बेस एक्सपोनेंट बना दिया, सेम बेस पे बना दिया। नो मैं अभी ऐसा नहीं लिखूंगा, बेसेस आर इक्वल तो पावर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, नो 5 to the power 2x - 3 ये बेस एक्सपोनेंट है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा या 5 to the power 3, तो व्हाट विल कम हियर 1, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसके डिनोमिनेटर में ले आओगे, आप ऐसा भी कह सकते हैं ओके 5 to the power 2x - 3 और 5 to the power 3, बोथ द साइड डिवाइडिंग बाय 5 to the power 3 5 to the power 3। और आप ऐसा भी कर सकते हो इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दो, इसके एलएचएस के डिनोमिनेटर में इसको लिख देंगे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्योंकि ये मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं तो बच्चे छोटी क्लासेस में नहीं समझ पाते हैं, 8th के बाद बच्चे जब 9th में पहुंचते हैं तो उनके लिए बहुत सारा टफ होता है, तो आपने कहा ओके कि सर ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 5 to the power, तो व्हाट विल बिकम, ये तो 1 हो जाएगा, एवरीबॉडी नो ये वन कैसे होगा, ये 5 × 5 × 5 3 times होगा, 5 × 5 × 5 3 times होगा, तो 5 cancel out 5 cancel out 5 cancel, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ओ ये हो गया 5 to the power 2x - 3 upon 5 to the power 3। क्लियर, अब चेक करो बेसेज आर इक्वल, तो हमने ए लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब बेसेस आर सेम तो पावर्स क्या होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं, तो क्या लिखेंगे, बेसेस आर सेम तो पावर्स सबट्रैक्ट होती है,
न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x माइनस 3 से माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो 1 ही बनेगा, ये इतने रिमेन हो। तो चेक करो बेसेज आर सेम, तो पावर्स एक्सपोनेंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड या विल सब्ट्रैक्ट। न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो व्हाट विल बी रिजल्ट, 5 टू दी पावर 2x माइनस 6 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, 2x माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6, ओके, ये तो वन था, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ओके। नाउ चेक हियर, अच्छा यहां पे हमने कौन सा लॉ लगाया है, a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n, बेसेस आर इक्वल, तो पावर्स पावर्स एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेस वही रहेगा, बेसेस आर इक्वल, या बेसेस आर इक्वल तो पावर क्या होगा, n माइनस n, न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो वही चीज यहां लगाई है, बेसेस आर इक्वल दिस पावर माइनस दिस पावर, मैंने पहले ही ब्रैकेट लगा दिया, मैथमेटिक्स में जब भी टू टर्म होते हैं मोर देन वन टर्म होता है ब्रैकेट लग जाना चाहिए, ओके। आपने इसको पावर को सिर्फ बेस ऐसे रहा, पावर में से पावर को सब्ट्रैक्ट किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, और इसका वैल्यू ऑलरेडी एनएचएस में वन है, ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट, अब चेक करो ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, बेस एक्सपोनेंट वन कब होता है, चेक करो बेस एक्सपोनेंट वन कब होता है, बेस एक्सपोनेंट बेस एक्सपोनेंट बेस एक्सपोनेंट वन कब होता है, व्हेन एक्सपोनेंट क्या होती है, जीरो होती है, तो आप इस एक्सपोनेंट को जीरो लिख देंगे, ओके। व्हाट विल बिकम, टू एक्स इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इक्वल टू सिक्स बाई टू, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री, तो वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट हो गई है जो हमने निकाली थी, x इक्वल टू 3, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इन द सेम वे मैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा है, सिमिलरली फिर मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएगा, ओके। ये क्वेश्चंस मैं अपने आप ही बना रहा हूं, कहीं से ये कॉपी नहीं है, ठीक है, तो कहीं पे क्वेश्चंस को फॉर्म करते समय मे बी जो है कहीं पर मिस्टेक होगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा ड्यूरिंग सॉल्यूशन। तो इसमें भी क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉल्व क्या हुआ, ए टू दी पावर जीरो हुआ। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने लिखा गिवन 3 टू दी पावर 7x माइनस 3 इक्वल टू 81, अगेन LHS इक्वल टू 3 टू दी पावर 7x माइनस 3, तो LHS इज द बेस एक्सपोनेंट नंबर, LHS बेस एक्सपोनेंट है, तो आपका एम होगा RHS को भी बेस एक्सपोनेंट बनाना, RHS इज नॉट डायरेक्टली गिवन into the form of base exponent, LHS को देखो base exponent है, RHS को copy करो purely number है, अब आप इसको base exponent में convert करो, तो LHS का base 3 है, तो RHS का base भी 3 बनाना है, may become may not become, इसका बन जाएगा 3 से divide करेंगे, 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 81, ये क्वेश्चन है, ओके। वी मे राइट इट्स ऑल्सो 3 टू दी पावर 3 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, 3 टू दी पावर 4 कैसे बना, अब ये सीखना है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पहले वीडियो 1 प्रॉपरली देखना होगा, देन वीडियो 2, देन वीडियो 3, देन वीडियो 4, 5, देन 6, ऐसे सिमिलरली 7, 8। अब आप बीच बीच के वीडियोस देखेंगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, आपको मैथ्स कभी नहीं आएगी। आपने कहा सर चलिए, तो गिवन था 3 टू दी पावर
7x minus 3 equal to 81. तो LHS कॉपी करो, बेस एक्सपोनेंट है. RHS कॉपी करो, इज नॉट अ बेस एक्सपोनेंट, वो एक नंबर है. अब इस नंबर को भी बेस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो. तो इसके फैक्टर्स करना शुरू कर दो, फैक्टर्स करना शुरू कर दो. ओके इजी. और कैसे पता लग जाएगा? LHS का बेस अगर 3 है तो इसका बेस भी 3 बन सकता है या नहीं बन सकता, चेक करो. इसको 3 से डिवाइड करते रहो तो इसके कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? 3, 3, 3, 3, 4. 3 इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स, इट विल बिकम 3 to the power 4. तो ये तो रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, इसको आप रफ वर्क करेंगे. अब नाउ व्हाट विल बी रिजल्ट यार, चेक कर लो. आपने कहा सर यस 3 to the power 7x minus 3, इट विल बिकम 3 to the power. नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, 3 to the power 7x minus 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. मींस मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा. तो 3 to the power 7x minus 3 upon 3 to the power, यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 to the power 7x minus 3 equal to 3 to the power, both the side we are dividing by 3 to the power 4, 3 to the power 4 से डिवाइड कर दिया. तो इट विल बिकम 1, ये 1 हो जाएगा. आपने 3, 3, 3, 4 times लिखेंगे, 3, 3, 4 times, 3, 3 कैंसिल आउट और 2. या मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. ओ बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो LHS क्या हो जाएगा, बेसेज आर इक्वल तो ये पावर्स और ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. लेकिन सब्ट्रैक्शन किसका होगा, सब्ट्रैक्ट कौन होगी, नीचे वाली पावर होगी डिनोमिनेटर. तो इट विल बिकम 3 to the power 7x minus 3 minus 4 minus 4. ये पावर में बेसेज आर इक्वल तो दिस पावर माइनस दिस पावर. सिंप्लीफाई करो LHS वन, 7x minus 4 minus 7 minus 3 minus 7, ब्रैकेट आप रिप्लेस करेंगे, 7x minus 3 minus 7. ओ चेक अगेन यार, द वैल्यू ऑफ बेस एक्सपोनेंट नंबर 1 आ रहा है. बेस एक्सपोनेंट नंबर का वैल्यू 1 आता है. कब आता है बेस एक्सपोनेंट 1, कब आता है बेस एक्सपोनेंट 1, कब आता है बेस एक्सपोनेंट 1, कब आता है, जब एक्सपोनेंट क्या होता है, 0 होता है. तो हियर 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 7x minus 7, इस एक्सपोनेंट को आप 0 लिखेंगे, मीन 7x minus 7 को 0. बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 कब होगा, एक्सपोनेंट को 0 होना पड़ेगा. 7x equal to 7 और x equal to 7 by 7, तो x equal to कितना हो गया, 1. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो गया, x equal to 1. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये जनरलाइज किया गया, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं. ओके तो गिवन गिवन 3 by 2 whole power 5x minus 3 equal to 81 upon 32. LHS को रेफर हुआ 3 by 2 whole power 5x minus 3. Means in the LHS, फिर चेक करो, LHS पर बेस एक्सपोनेंट है. Means the form of the LHS is या B, base exponent. तो RHS को भी उसी form में convert कर दो. RHS copy करो, 81 upon 32. इस number को भी base exponent बना दो. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 81 को factorize करना पड़ेगा. Means in prime factors कर लो. अब इसका फैक्टर्स करोगे 3 into 3 into 3 into 3 हो जाएगा. 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81. 32 के भी फैक्टर्स कर लो. अच्छा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, अब इसको मैं 16 लिख देगा, 16. ओके मैंने पहले कहा था इन क्वेश्चंस को मैं खुद ही बनाता हूं. ओके 2 जा
4, 8, 16 मतलब क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैंने 32 लिखा है इसको मैं 16 कर दूंगा, ठीक है। अब आपकी तरफ ओके इसको भी 16 लिखोगे, RHS will become 81 upon 16, तो factors of numerator कर दो 3, 3, 3, 3, factors of denominator 2 into 2 into 2 into 2, okay, you we may write it also 3 upon 2, 3 divided by 2, 3, or next 3 upon 2 we may write also 3 upon 2 we may write also 3 upon 2 we may write also. एक तरीका तो ये है 3 upon 2, 3 upon 2, 3 upon 2, 3 upon 2. अब आपने कहा नो नो सर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैथमेटिक्स में सो मेनी एप्लीकेशन 2 into 2 into 2 into 2, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 3 to the power 4, डिनोमिनेटर भी क्या बन जाएगा 2 to the power 4. अब चेक करो हियर पावर 4 ऑल्सो हियर पावर 4 ऑल्सो, तो हम इसको लिख देते हैं 3/2 whole power. पावर्स आर सेम, तो बेस को ये बेस अपॉन दिस बेस होल पावर, पावर्स अगर सेम है अपने ये पढ़ेंगे या अपने बेस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, फर्दर वीडियो में हम पढ़ेंगे a^n / b^n, पावर्स आर सेम तो वी कैन राइट इट ऑल्सो होल पावर A upon this base upon this base, this base upon this base, this base upon this base. So here also same rule. Powers are same. So we may write this base upon this base whole power 4. Okay. So ये means एक तरह से हम target कर रहा, हमारा brain calculate कर रहा है कि हमें question को कैसे solve करना चाहिए. तो RHS, ये RHS का number convert हो गया 3/2 whole power. मीन्स इनटू बेस एक्सपोनेंट, ये बेस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया है, तो दिस इज द अप्लीकेबल वर्क, ये रफ वर्क था पर हाईली अप्लीकेबल था, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 whole power 5x - 3 = 3/2 whole power 4. अगेन दिस विल बी डिवाइडेड बाय इट विल बी अगेन 3/2 whole power 5x - 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा 3/2 whole power 2, ये क्या हो जाएगा 1, या आप कर सकते हो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 3/2 whole power 2, वो थोड़ा सा लेंथी मैथ्स हो जाती है, तो आपने क्या किया इसको इसके नीचे 3/2 whole power 5x - 3 के नीचे 3/2 whole power 4 लिखा इन इट्स जो इसको डिवाइड कर दिया इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में 1 हो जाएगा। ओ बेसेज आर इक्वल, चेक करो बेसेज आर इक्वल तो पावर्स क्या हो जाएंगी सबट्रैक्ट हो जाएंगी a^n / a^n, द सेकंड लॉ ऑफ द बेस एक्सपोनेंट बेसेज आर इक्वल तो दिस पावर माइनस दिस वन a^n - a^n मीन्स दिस पावर माइनस दिस पावर, तो वही चीज यहां पर अप्लीकेबल हो रही है। अप्लीकेशन कैसे होता है मैथमेटिक्स में ना, नेक्स्ट स्टेप कैसे दिखाता है बाय अप्लाइंग द लॉस, फिर अगला स्टेप में भी अप्लीकेशन होना चाहिए मीन्स अगला ओके बेसेज आर इक्वल तो व्हाट विल बिकम यस बेस विल रिमेन सेम पावर्स क्या हो जाएगा 5x - 3 - 4 दिस पावर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओके 3/2 whole power 5x - 7 = 1। अब चेक करो बेस एक्सपोनेंट 1 कब होता है जब एक्सपोनेंट क्या बनता है जीरो बनता है बेस एक्सपोनेंट 1 हो रहा है तब होगा एक्सपोनेंट को जीरो होना है 5x इस एक्सपोनेंट को जीरो होना है तो आई विल राइट हियर
here, yeah, when exponent को जीरो लिखेंगे तो वो आफ्टर सिंप्लीफाइंग 5x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 अपॉन 5. आफ्टर सिंप्लीफाइंग x का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या बोथ द साइड डिवाइडिंग बाय 5 करो, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा x इक्वल टू 7 बाय 5. तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया x इक्वल टू 7 बाय 5. तो जिस समय मैंने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे 32 लिखा था क्योंकि वो अपने ही ब्रेन से बनाया जा रहा है, तो बाद में उसको करेक्ट कर दिया. तो नाउ एट द एंड दिस इज द जनरल एप्लीकेशन है. दोज अंडरस्टैंड दिस, जो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे वो इसी का मल्टीपल एप्लीकेशन करते चले जाएंगे. तो फाइनली हम जनरल रिजल्ट्स में पहुंचने जा रहे हैं. ओके, तो आपने क्या सर, गिवन a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर n, ऑलरेडी गिवन a डज नॉट गिव, a को जीरो नहीं होना है. ओके, LHS में ऑलरेडी बेस एक्सपोनेंट है, RHS भी ऑलरेडी बेस एक्सपोनेंट है. अब RHS को मैं 1 बना दूंगा. RHS 1 कैसे बनेगा, a टू दी पावर x को डिवाइड कर देंगे a टू दी पावर l से, a टू दी पावर x को a टू दी पावर l से डिवाइड कर देंगे. चेक करो, आपने कहा सर a टू दी पावर x को मींस LHS को भी और RHS को भी डिवाइड, मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अगेन फिर लिख देता है. आपने कहा सर व्हेन RHS विल बिकम 1, आप क्या करोगे, इस RHS को 1 बनाना है, a टू दी पावर l को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर में लिख दोगे, a टू दी पावर x के डिनोमिनेटर में लिख दोगे, या आपने कहा सर ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय a टू दी पावर l, ये ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय a टू दी पावर l, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी. लेकिन मैथमेटिक्स में इतनी लॉन्ग मेथड्स को ठीक नहीं है लगाना, आपने क्रॉस कर लिया. ओ क्या कर रहे हैं, बेस आर इक्वल, बेसेस आर इक्वल, पावर्स क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे. तो बेस इक्वल है तो बेस वही रहेगा, पावर सबट्रैक्ट होगी तो दिस पावर माइनस दिस पावर, न्यूमरेटर का पावर में से डिनोमिनेटर का पावर सबट्रैक्ट होगा. ठीक, इक्वल टू साइन को इसके सामने लिखेंगे 1, इक्वल टू साइन को यहां नहीं लिखना, इक्वल टू साइन को जस्ट अपोजिट जो है बेस लिखेंगे. अब चेक करो यार, बेस एक्सपोनेंट वैल्यू, बेस एक्सपोनेंट इज बिकमिंग 1, बेस एक्सपोनेंट इज बिकमिंग 1. तो एक्सपोनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. तो when क्या here x minus l equal to 0, ये x minus इस एक्सपोनेंट को 0 होना पड़ेगा. तो वैल्यू ऑफ x क्या आ गया, l. तो हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोज लिया है कि x को l होना पड़ेगा. और a does not 0 क्यों है, प्रीवियस क्लासेस में बताया, जब whenever a डिनोमिनेटर में जाएगा उसको 0 नहीं होना है. अगर a डिनोमिनेटर में जाएगा और अगर ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड डिग्री हो जाएगा. ये सारी चीजों को अब इस क्वेश्चन में जो है डिस्कस करके खाली वीडियो का टाइम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वो प्रीवियस वीडियोस में एवरीथिंग भी क्लियर. ओके, अब आपको इन क्वेश्चंस में क्या बताया है, एप्लीकेशन ऑफ a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 स्पेशल केस है. बेस एक्सपोनेंट 1 कब होता है, बेस एक्सपोनेंट का वैल्यू 1 कब होता है, एक्सपोनेंट को 0 होना पड़ेगा किसी भी फॉर्म में है और बेस को डज नॉट 0 होना पड़ेगा, बेस को डज नॉट 0 होना पड़ेगा. बेस 0 होगी, बेस अगर 0 होगी ये नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेट, बेस 0 हो जाएगी तो ये 0 टू दी पावर 0 हो जाएगा. बेस अगर 0 हो जाएगा ये 0 टू दी पावर 0 इज इनडिटरमिनेट. ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल से देखने हैं, ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं. ओके,
और फर्दर जो वीडियो होगा या जो फर्दर क्लास होगी उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्लीकेबल मिलेगा, किसका, इसी का, ए टू दी पावर जीरो का अप्लीकेशन मिलेगा, पॉजिटिव प्राइम इंटेजर्स, वो और मल्टी अप्लीकेबल है। मींस अब आपको आगे की वीडियोस में बेस एक्सपोनेंट्स मतलब लॉज ऑफ बेस एक्सपोनेंट के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, फंडामेंटल्स मिलेंगे, लॉजिक मिलेंगे और अप्लीकेशंस मिलेंगे और द सॉल्यूशंस ऑफ जो है ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी भी मिलेंगे और थोड़ा सा जनरलाइज भी मिलेगा, कॉम्पिटिटिव भी मिलेगा और एक्स्ट्रा भी मिलेगा। क्यों ऐसा है? आपकी नॉलेज को हमने अपग्रेड करना है, अपग्रेड धीरे 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 अपग्रेड करना। ओके, नाउ द क्लास इज ऑन। ओके।